बिलासपुर में चुनावी एवं जमीनी रंजिश के चलते हुए दो कार सवार आधा दर्जन के करीब हमलावरों ने क्षेत्र के गांव डंडिया के प्रधानपति को सरेआम हाईवे पर भाकड़ा दाम के पुल पर दोनों तरफ से घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बुलेरो में सवार तीन अन्य लोग भी इसमें जख्मी हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया। मृतक पक्ष की तरफ से 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। विकास खंड के ग्राम पंचायत मुबारकपुर की प्रधान प्रभजोत कौर के पति हरपाल सिंह नगर की तरफ से अपने भाई हरजिंदर सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ सवार होकर अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहे थे कि चौराहे से मात्र 500 मीटर आगे बाकड़ा पुल पर हमलावरों ने अपनी प्लानिंग से उनकी गाड़ी को रोककर फुर्ती से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कार की आगे की सीट पर बैठे प्रधान पति पर 10 से ज्यादा फायर झोंककर मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने तुरंत मृतक एवं घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही कोतवाल अजय कुमार ने मौके का मुआयना किया। सुरक्षा की दृष्टि से जनपद के सभी थानों से फोर्स बुला ली गई। एएसपी तारिक परवेज व सीओ राहुल कुमार ने घटना की जानकारी के बाद अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी एवं दहशत का माहौल है। अभी शाम में बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक डैम बनता है, वहाँ पे हरपाल सिंह नाम के व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी FIR लिखा जा रहा है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के से ये हुआ है मामला। अभी सभी को जांच की जा रही है, जो भी आगे तथ्य आएंगे उस हिसाब से जमीन उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर ये कब की घटना है? ये आज शाम की घटना है, 6:30 के आसपास की। पुलिस ने मुकदमा लिख रही है, मुकदमा FIR लिखा जा रहा है और अपराधियों को